चलिए अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगा हुआ है। देश के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा देखा जा रहा है। इस बार चंद्रमा की छाया सूर्य का पूरा भाग नहीं ढक पाएगी। इस ग्रहण में सूर्य का बाहरी हिस्सा प्रकाशित रहेगा। ये ग्रहण धनु राशि और मूल नक्षत्र में होगा। साल के इस आखिरी सूर्य ग्रहण को वैज्ञानिकों ने रिंग ऑफ फायर का नाम दिया है। बता दें कि इससे पहले इस साल 6 जनवरी और 2 जुलाई को आंशिक सूर्य ग्रहण लगा था। तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तीन जगहों की ये तस्वीरें हैं, एक गुजरात के अहमदाबाद की, एक अबू धाबी और दुबई की ये तस्वीरें हैं। वहीं देशभर में भी अलग अलग जगहों पर सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है। अद्भुत नजारा देखा जा रहा है। 6 जगहों की ये तस्वीरें हैं। त्रिवेंद्रम की तस्वीर आप देख सकते हैं, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद की तस्वीर है, चेन्नई की तस्वीर है, भुवनेश्वर, कोच्चि और बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं लोगों में उत्साह जो है वो काफी नजर आ रहा है इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। तो चलिए सूर्य ग्रहण के मायने क्या है, इसका राशियों पर क्या असर होता है, लोगों में किस तरीके का उत्साह है, इन सारी चीजों को समझते हैं। हमारे साथ मनोज शर्मा हमारे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ हैं और साथ ही साथ पंडित मुकेश भारद्वाज जी हैं, ज्योतिषी हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि आज का जो ये सूर्य ग्रहण है कितना महत्वपूर्ण है। हालांकि वक्त जो है अब कुछ ही और बचे हैं जब यह सूर्य ग्रहण समाप्त होगा, कितना महत्वपूर्ण है आज का यह सूर्य ग्रहण? यह बेहद महत्वपूर्ण है इस मायने में कि यह 6 ग्रहों के साथ है, मतलब यहां चंद्रमा के साथ साथ 6 ग्रह और भी इसी राशि के अंदर हैं, एक ही लाइन के अंदर हैं, 30 डिग्री के अंतर के अंदर सभी ग्रह, और 60 डिग्री में जोड़ दें तो लगभग 8 ग्रह यहां पर एक ही लाइन के अंदर मौजूद हैं। जी, हम वैसे भी राहु केतु को दृश्यमान ग्रह नहीं मानते हैं, मतलब वैज्ञानिक तौर पर देखें तो लगभग सारे ग्रह एक साथ हैं। तो इस स्थिति के अंदर इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है, प्रकृति के ऊपर, मानव स्वभाव के ऊपर, आने वाली घटनाओं के ऊपर, राजनीति के ऊपर, अर्थ के ऊपर, हर चीज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, सब चीज पर इसका इफेक्ट रहेगा। और ये कोई भी ऐसा क्षेत्र मुश्किल से ही बचेगा जो इसके इसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर होगा। बिल्कुल, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र मुश्किल से ही बचेगा। समझना इसको भी आपसे चाहेंगे आगे आपके पास आकर के कि आखिर किस तरीके का असर होगा, लेकिन एक बार हमारे सहयोगी हमारे साथ मनोज जुड़े हुए हैं उनके पास चलते हैं। मनोज आपके पास आना चाहेंगे, किस तरीके का लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है इस सूर्य ग्रहण को लेकर के? बिल्कुल, देखिए उत्साह की अगर बात करें तो आप इससे समझ सकते हैं कि आज जयपुर के अंदर जो है सुबह सुबह काफ़ी तेज सर्दी थी, उसके बाद जो है उसके बावजूद जो है लोग अपने अपने परिवारों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ बिरला ऑडिटोरियम पहुंचे और यहां पर तारामंडल की तरफ से जो व्यवस्था की गई थी कि ये जो एक दुर्लभ संजोग बनाया करीब 200 साल बाद कि जो कंगनाकार का जो ग्रहण है जिसके अंदर जो है सूर्य का जो मध्य भाग है वो पूरी तरीके से चंद्रमा की छाया से ढक जाएगा, लेकिन जो किन्नौर जो है वो दिखेगी और उसी नज़ारे को देखने के लिए पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। और अभी भी आप देखिए यहां पर जो है ये अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे अब जो चंद्रमा की छाया है वो सूर्य से हट रही है और अब क्योंकि कुछ ही देर और है, करीब 10:54 पर ये ग्रहण जो है समाप्त हो जाएगा, तो अब वापस जो है सूर्य अपनी उसी आकृति के अंदर दिखाई दे रहा है। और अभी भी लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ समय पहले हमने तस्वीरें भी दिखाई थी जिसमें लोग जो है इस नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे, कोई सेल्फी ले रहा था, कोई जो है यहाँ खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि काफ़ी दुर्लभ संजोग है और इसी संजोग को लोग
यहाँ आकर वो जो है इस नज़ारे को देखना चाह रहे थे। रोमांच इतना था कि करीब सुबह 8:15 बजे से जो है यहाँ पर ये प्रोग्राम शुरू होने वाला था, लेकिन 7:30 से लेकर 8 के बीच में ही अच्छी खासी संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके थे। जी बिल्कुल, अच्छी खासी संख्या में लोग पहुँच चुके थे क्योंकि उत्साह जो है वो चरम पे रहता है, ऐसे नज़ारे बहुत कम देखने को मिलते हैं। एक चीज पंडित जी आपसे समझना चाहेंगे कि कहा यह जाता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भले ही बहुत सारी चीजें वैज्ञानिक ना माने, लेकिन कहा यह जाता है कि जहां पे वैज्ञानिकता खत्म होती है वहां से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, इवन वॉशरूम तक नहीं जाना है, इन सारी चीजों को किस तरीके से देखा जाता है सूर्य ग्रहण के दौरान? देखिए, ये जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण है, ये दोनों को अगर हम एक किसी चीज़ पे लेना चाहें तो ज्योतिष विज्ञान इस बारे में बहुत ही एडवांस बात कहना चाहता है कि यहाँ विकिरण एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी अगर देखते हैं कि कोई भी हम चीज़ों के अंदर रेडिएशन लेवल नापते हैं किसी भी चीज़ का, वैज्ञानिक जब भी किसी चीज़ के प्रभाव या दुष्प्रभावों को देखते हैं तो वो रेडिएशन की बात करते हैं। अब आप समझिए कि एक छोटा सा मोबाइल जिसके अंदर छोटी सी एक बैटरी है जो उसको ताकत देती है चलने का, उसकी बैटरी जी जरा सा आपको रोकना चाहेंगे, तो मैं आपके पास फिर आऊंगा, इस चीज को समझूंगा। दरअसल इस वक्त हम भरतपुर अपने दर्शकों को लिए चलते हैं और शहीद सौरभ कटारा का वहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम